हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं नॉर्थ बंगाल की तीन धाम यानी कि जटलेश्वर, जलपेश और लाटागुड़ी की एक महाकाल मंदिर है। तो गाइस, वहां पर जाने वाले हैं। तो गाइस, उसके बाद हम मूर्ति और उसके आगे भी जाने वाले हैं, जो कि शायद जलढक्का, नागरागढ़ा जो ब्रिज होता है वहाँ तक जाने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो लास्ट तक देखते रहना। और गाइस, हमेशा की तरह मेरे को सुजन भाई की घर की मतलब घर तक मेरे को साइकिल से जाना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी बाइक से जाने वाले हैं। तो गाइस, ये पर मेरे साइकिल पीछे देख ही सकते हो। और गाइस, इस नदी पे एक मछली पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है, जो कि देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और इसी से यहाँ का जो लोकल लोग है वो मछली पकड़ता है। तो गाइस, पूरे खेतों के बीच में एक छोटा सा स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो छोटे बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, जो कि देख ही सकते हो गाइस। तो गाइस, बहुत टाइम से वेट करने के बाद अभी सुजन भाई आ रहे हैं। तो गाइस, पहले मंदिर जटलेश्वर मंदिर पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर गेट से प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि देख सकते हो काफ़ी भीड़ है। तो गाइस, मेरे पीछे है जटलेश्वर मंदिर और ये जटलेश्वर मंदिर की मेन गेट है। तो गाइस, अभी हम घुसने वाले हैं इस मंदिर पे। तो गाइस, अभी हम मंदिर के अंदर की तरफ जा रही है। तो गाइस, हमारी पहले मंदिर जटलेश्वर मंदिर पे हम लोग आ चुके हैं, और जो कि देख सकते हो बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो गाइस, मेरे पीछे और एक ठाकुर देख सकते हो, यहाँ पर सभी इस पेड़ पे धागा बांध रहा है। और तो गाइस, अभी हम जलपेश से जटलेश्वर की तरफ जा रही है, और इसी बीच मेरा स्कूल जो है, मैंने 12th में इसी स्कूल में पढ़ाई किया था, जो कि भुजड़ीपाड़ा MC हाई स्कूल है। तो गाइस, अभी जलपेश मंदिर भी आ चुके हैं, यहाँ पर हम अभी जाने वाले हैं। तो गाइस, पहले बाइक को साइड करना पड़ेगा। तो गाइस, अभी हम जलपेश मंदिर पहुँच चुके हैं, जो कि देख सकते हो। और गाइस, ये है जलपेश मंदिर की न्यू गेट, जो कि देख सकते हो बहुत सुंदर लग रहा है, और यहाँ पर शिव जी के ऊपर बैठा है। तो गाइस, जलपेश मंदिर दर्शन हो चुके हैं, अभी हम आगे महाकाल मंदिर जा रही है। तो गाइस, वो काफ़ी दूर है, लाटागुड़ी में है। तो गाइस, वहाँ पर चलते हैं। तो गाइस, अभी हम मैनागुड़ी आ चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा काम है, यहाँ पर काम खत्म करके हम उस साइड जाने वाले लाटागुड़ी की साइड। तो गाइस, यहाँ पर अभी हम तेल डालने वाले पंप पे, क्योंकि बाइक में ज़्यादा फ्यूल नहीं है। तो गाइस, मैनागुड़ी कॉलेज जाने से पहले एक रेल ओवर ब्रिज पड़ता है, जो कि देख सकते हो गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस टाइम रेल भी जा रहा है, उससे उसके लिए मतलब इसको और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो कि गाइस देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं हम मैनागुड़ी कॉलेज पे, और यहाँ पर पहले तो प्रवेश कर लेते हैं, और यहाँ पर कुछ काम है तो सब करना होगा। तो गाइस, देख सकते हो हम कॉलेज के अंदर आ चुके हैं। तो गाइस, कॉलेज पे आ चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा काम था, वो काम खत्म हो चुका है। अभी हम जाने वाले फिर से महाकाल मंदिर की तरफ, और मेरे साथ सुशांत भाई भी है, जो कि तो गाइस कॉलेज से निकल के अभी हम जा रहे हैं लाटागुड़ी की तरफ। और गाइस, देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, जिस वजह हमें यहाँ पर रुकना पड़ा। तो गाइस, बारिश ख़त्म होने के बाद अभी जा रही है हम लोग। और गाइस, बारिश ख़त्म होने के बाद एकदम से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि देख ही सकते हो गाइस। और गाइस, जो कॉलेज का काम था वो सब हमने कर दिया, वो सब कष्ट करके अभी महाकाल धाम जा रही है, जो कि लाटागुड़ी फॉरेस्ट में पड़ता है। गाइस, यहाँ पर ये न्यू बना है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसका जो खूबसूरत की मतलब सबसे ज़्यादा खूबसूरत इसकी लाइट की वजह से लग रहा है। और गाइस, ऐसे बारिश में जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो गाइस, उसके बाद पहले तो हम महाकाल धाम जाएंगे, उसके बाद मूर्ति, और मूर्ति से होते हुए हम जलढक्का रिवर, जो कि नागरागढ़ा के है, वो भी जाने वाले हैं। इस राइडिंग करने का टाइम यही सबसे खूबसूरत होता है, या तो फिर मानसून, समझो मानसून में जो भाई नज़ारा देखने को मिलता है ना भाई, काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। और गाइस, मेरा जो आवाज़ है शायद थोड़ा सा ख़राब लग रहा होगा, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा अच्छा नहीं है, जिसके कारण मेरा जो आवाज़ है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। इससे उससे जाने का भाई बहुत ही एक अच्छे माध्यम बना दिया, जो कि काफ़ी खूबसूरत भी है और लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो गाइस, अभी हम लाटागुड़ी आ चुके हैं, और ये लाटागुड़ी की मेन बाज़ार है। तो गाइस, इसको पार करके जो फॉरेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद 4-5 किलोमीटर और जाना होगा, उसके बाद हमारे धाम मिलने वाला है, जो कि महाकाल नाम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ के लोकल की जो। तो गाइस, इस साइड बारिश ही नहीं हुआ, और गाइस उस साइड तो हम बारिश की वजह से काफ़ी टाइम रुकना पड़ा, और जिसके कारण हमें काफ़ी लेट भी हो चुके हैं, अभी भी हमें बहुत दूर तक जाना है। तो लाटागुड़ी पार होके यहाँ पर एक नई ओवरब्रिज हो रहा है। तो गाइस, यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं लाटागुड़ी फॉरेस्ट, और गाइस यहाँ पर करीब हमें 10 किलोमीटर जाना होगा, और उसी बीच में मंदिर है, जो कि एकदम से जंगल के बीच में है, जो कि गाइस काफ़ी खूबसूरत भी है। और गाइस, यहाँ पर फॉरेस्ट का ब्यूटी देख ही सकते हो गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर बाइक राइड करने का तो भाई मज़ा कुछ और है, जो कि देख ही सकते हो गाइस। तो गाइस, यहाँ पर सुजन भाई राइडिंग कर रहा है और मैं पीछे बैठा हूँ, जो कि देख सकते हो गाइस, यहाँ पर फॉरेस्ट के बीच में हम लोग जा रही है, और यहाँ पर कोई नहीं है, जैसे कि देख।
मंदिर के यहाँ पर आ चुके हैं, पहले विजिट करते हैं यहाँ पर। तो गाइस रोड के एकदम से साइड से ये मंदिर है जो कि देख सकते हो गाइस, अभी पूजा चल रहा है, काफ़ी भक्त यहाँ पर आ चुके हैं, अभी सभी पूजा कर रहे हैं। और गाइस देख सकते हो एकदम से फॉरेस्ट के बीच में ये मंदिर है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो महाकाल मंदिर में यहाँ पर पूजा चल रहा है। और गाइस इस साइड देख सकते हो, मतलब चारों साइड देख सकते हो एकदम से फॉरेस्ट है। ये मंदिर फॉरेस्ट के बीच में है जो कि लाटागुड़ी और चालसा के बीच में जो एक फॉरेस्ट होता है उसी फॉरेस्ट में होता है। तो गाइस देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने तीनों मंदिर पे विजिट कर चुके हैं जो कि जटलेश्वर जलपेश और इस महाकाल मंदिर था। तो गाइस ये सब विजिट तो हो गया बस। तो गाइस ये ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ और आगे यहाँ से मैं मूर्ति जाने वाला हूँ। तो गाइस वो वाला ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, बस काफ़ी सुंदर होने वाला है और ऊपर से वेट कर रहा है। तो गाइस चलते हैं।